अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी है हमारी अचार गोश्त, चिकन का हम अचार गोश्त बनाने हैं। और उसकी रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए वो हम आपको बताते हैं। एक हमने शान का जो है क्या कहते हैं अचार गोश्त पैकेट लिया है, और इसमें मसाले जो 1 किलो हमारा चिकन है, एक प्याली हमने दही ली है, 3 प्याज हमने ऐसे चॉप कर लिए, 3 ही टमाटर हमने ऐसे चॉप किए हुए, और हरी मिर्च लीमू लिया है उसका मसाला भर के डालने के लिए। और मसालों में हमने जो जो लिया है वो ये देखिए, 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पिसा हुआ नमक हसबे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हमने कलौंजी ली है, 1 टेबल स्पून हमने सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है साबुत, और अदरक लहसुन। अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमने इधर गरम कर लिया है, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज हम सबसे पहले डालेंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ऐसे हमने इसमें डाल दिया है ऑयल के अंदर। अब इसको थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। एक चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। ये देखिए लाइट गोल्डन सा हो गया कलर, इसको थोड़ा सा और करेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया प्याज, इसमें अब चिकन शामिल करते हैं। देखिए ऐसे इसको भूनेंगे चिकन को। ये देखिए गोश्त थोड़ा भून लिया, अब इसमें हम दही शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से भून गया गोश्त। अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये देखिए हमारा गोश्त थोड़ा भुन गया है। अब इसके अंदर हमने जो ये 1 पैकेट मसाले का लिया था शान के, ये इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हम ज़रा स्पाइसी खाते हैं, तो इसलिए इसके अलावा इजाफी में नमक मिर्ची और डालेंगे मसाले। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये मसाले थे ये सारे इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मसाला थोड़ा अच्छे से भुन गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, और अब हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे, इतना कि थोड़ा गोश्त भी गल जाए और मसाला थोड़ा सा रसमी सा बन जाए। ये देखिए 1/2 लीटर के करीब हमने इसमें पानी शामिल किया, मतलब 1.5 गिलास। और यहाँ पे ये मसाला हमने थोड़ा सा निकाल के रखा है कि हरी मिर्च इसमें भरेंगे लीमू के साथ। ये देखिए ऐसे बॉईल आ रहे हैं इसके अंदर पानी में। अब हम थोड़ा लो फ्लेम के ऊपर इसको ढक के पकाएंगे, ताकि जो हमारा चिकन गल जाए और साथ में शोरबा भी थोड़ा सही हो जाए। शोरबा तो नहीं इसमें रहता, तो ये कि थोड़ा सा चिकन सही हो जाए, जो इसमें कसर है वो पूरी। तो ये देखें इस पर हमने ऐसे कट लगा लिए सेंटर से, और इसमें से बीज इसके निकाल लिए। अब हम इसमें लीमू शामिल करेंगे। ये देखें थिक सा पेस्ट बना लिए इसमें लीमू का रस शामिल करके। ये देखिए ऐसे हमने मिर्चें भर ली हैं, और ये 1/2 हमारा लीमू बचा था, अब ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें लीमू शामिल कर दिया इसमें, और ये मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। ये मिर्चें इसमें हमने शामिल कर दिया। मेरे पास छोटी मिर्चें नहीं थी, ये लंबी लंबी बड़ी मिर्चें थी, तो इसलिए इसी में ही भर दिए। वैसे छोटी मिर्चों में मसाला भरा जाए तो बहुत ही मज़े की लगती हैं और अच्छी लगती हैं। अब इसको थोड़ा पकने छोड़ देंगे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इसका शोरबा भी गाढ़ा हो जाए और
अचार गोश्त तैयार है। इस रेसिपी को बनाइए और मुझे बताइए कि आप लोगों ने ये ट्राई किया तो कैसा बना और घर वालों ने क्या रिस्पांस दिया।